डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में हम डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में हमारे पास एग्जांपल है सक्सिनाइल कोलीन जो होता है, हम इसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ये जो सक्सिनाइल कोलिन होता है, इट इज़ अ क्वॉटनरी अमोनियम कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टाइल कोलिन। ये दो मॉलिक्यूल्स, ये इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल होता है टू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टाइल कोलिन। हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जो सक्सिनाइल कोलिन होता है, ये लाइक दैट ऑफ एस्टाइल कोलिन ही काम करता है। इट स्टिमुलेट्स द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इट एक्ट्स लाइक एगोनिस्ट मीन्स ये जो सक्सिनाइल कोलिन होता है, ये भी एस्टाइल कोलिन की तरह ही इफेक्ट दिखाएगा पहले, लेकिन ये एस्टाइल कोलिन की ही तरह इफेक्ट दिखाते हैं। दैट इज़ इट काजेज डीपोलराइजेशन। जब हमारा एस्टाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड अप होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कराता है। दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या करता है, देयर जो हमारे सोडियम चैनल्स होते हैं उसमें वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम की एंट्री होती है, जिसकी वजह से हम डिपोलराइजेशन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये सक्सिनाइल कोलिन जो होता है, ये भी हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे पहले जुट जाता है, बाइंड अप होता है, उससे क्या होता है कि डिपोलराइजेशन होती है। देयर इज़ एन इनिशियल डिपोलराइजेशन, लेकिन अब इसकी डिपोलराइजेशन जो होती है, इट काजेज परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन क्यों होती है? बिकॉज जो सक्सिनाइल कोलिन होता है, इसका बाइंडिंग टाइम मोर होता है एज कम्पेयर टू एस्टाइल कोलिन। बाइंडिंग टाइम इज मोर देन एस्टाइल कोलिन। यानी कि जो हमारा एस्टाइल कोलिन बाइंड होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स से, वो पहले उस पर डीपोलराइजेशन करता है, लेकिन उसकी बाइंडिंग जो होती है वो फिर डिसोसिएट होती है। ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक वी हैव सक्सिनाइल कोलिन, ये भी बाइंड हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे, निकोटिनिक रिसेप्टर पे। इसका बाइंडिंग क्या होता है, इसका बाइंडिंग टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस्टाइल कोलिन, और इसका डिफ्यूजिंग रेट जो है, दैट इज़ लेस देन एस्टाइल कोलिन। उससे क्या आता है, इट लीड्स टू द परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन, मींस कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन से क्या होता है, इट रेंडर्स द रिसेप्टर्स incapable of further neurotransmission। मीन्स जब इसका बाइंडिंग टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस्टाइल कोलिन, डिफ्यूजिंग रेट कम है एस्टाइल कोलिन से, ये परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करता है, मीन्स सोडियम आयन्स की एंट्री कंटिन्यूसली ज़्यादा रहती है। उससे क्या होता है, उससे रिसेप्टर्स इनकैपेबल हो जाते हैं फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। पहले इनिशियल स्टेज रिजल्ट्स इन द ट्रांजिएंट
मस्क्यूलर फैसिकुलेशंस और ट्विचिंग। पहले ट्रांजिएंट मस्क्यूलर ट्विचिंग रहती है, फिर क्या होता है फेज सेकेंड में, उसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर्स बिकम इनकैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग फर्दर इम्पल्सिस। जब कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन रहती है वो फिर क्या करता है, इट रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स जब फिर क्लोज हो जाते हैं विच रिजल्ट्स इन द पैरालिसिस ऑफ द मसल, पैरालिसिस ऑफ द मसल और वी कैन से इट फ्लैसिड पैरालिसिस। मीन्स इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, एस्ट्राइल कोलिन जब जुड़ जाता है हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ वो कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। कंट्रैक्शन वो क्रिएट करता है बिकॉज इट फर्स्ट डीपोलराइजेस द जंक्शन, उसके बाद क्या होता है फर्दर फिर एंट्री हो जाती है सोडियम आयन्स की जो कि कंट्रैक्शन कराता है। लेकिन यहाँ पे जो सक्सनाइल कोलिन होता है ये भी पहले सोडियम चार्जेस की एंट्री कराएगा, डिपोलराइजेशन कराएगा, लेकिन इसकी डिपोलराइजेशन परसिस्टेंटली रहती है, कंटिन्यूस रहती है, जो कि ब्रेकअप नहीं इनका जो कि ये जो सक्सनाइल कोलिन होता है इसकी डिसोसिएशन रेट रिसेप्टर्स से के साथ कम रहती है। जब कंटिन्यूस परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन रहती है उससे क्या होता है, फिर ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे मसल्स होते हैं वो डिसेंसिटाइज होते हैं और डीपोलराइजेशन स्टॉप होती है, फिर फर्दर देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल्स विच रिजल्ट्स इन द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स। दिस वॉज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सक्सनाइल कोलिन। नाउ कमिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ये जो स्केलेटल मसल पे इसका इफेक्ट क्या हो देखेंगे, पहले जब हम इंट्रावीनियसली इसको एडमिनिस्टर करते हैं इट्स एक्शन इज़ वेरी रैपिड, इसका एक्शन बहुत ही रैपिड होता है विद इन 1 मिनट। लेकिन फिर क्या होता है कि फैसिकुलेशंस आर मैक्सिमम विद इन 2 मिनट्स, मैक्सिमम फैसिकुलेशंस जो होते हैं दे आर मैक्सिमम इन टू मिनट्स एंड इफेक्ट लास्ट फॉर फाइव टू टेन मिनट्स। ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसलिए इसको कैसे देना पड़ता है, वी नीड टू गिव इट कंटिन्यूअसली एज एन इन्फ्यूजन सो एज टू मेंटेन द इफेक्ट। नाउ कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स में क्या देखा गया है, इट लीड्स टू द पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन, पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन रहता है। इट मे बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ द मसल फाइबर्स दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल फैसिकुलेशन। नेक्स्ट इफेक्ट जो इसका आता है दैट इज हाइपरकैल्मिया। हाइपरकैल्मिया कैसे होता है, बिकॉज इट कॉजेज सडन रिलीज ऑफ पोटेशियम आयन्स फ्रॉम द इंट्रासेल्यूलर साइट्स। दूसरा इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस इज दैट इज कार्डियक एरिथमियाज, इट कैन लीड टू कार्डियक एरिथमियाज। या नेक्स्ट कंडीशन जो है दैट इज मैलेग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलेग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होता है एंड फॉलोड बाय सीवियर मसल स्पाज्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ
इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम, रिलीज ऑफ इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी वजह से ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और मसल स्पाज्म आते हैं। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट है कि इस एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए, दैट इज़ या तो हम इसको डेंट्रोलिन देते हैं, डेंट्रोलिन देते हैं, और क्या करते हैं हम इसको इमीडिएट कूलिंग ऑफ द बॉडी, इमीडिएट कूलिंग ऑफ बॉडी जो कि हमें इसके एडवर्स इफेक्ट्स को कम करने के लिए देने पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू द ड्रग इंट्रैक्शंस किसके साथ है, इसको जनरल एनेस्थीजिया जो होता है, जनरल एनेस्थीजिया और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स these drugs potentiate its effects. This was about the drug interactions of succinylcholine. For further details, we will continue next session. Thank you.